दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं अरविंद यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को। गाइस, आज आपको बता दें कि आज हम मिलने आए हुए हैं उदय राज जी से, जिनका इनका चैनल का नाम है उदय यूट्यूबर, जो कि ये देख सकते हैं हमारे सामने खड़े तो हुए भाई हैं। अभी भाई काफ़ी दूरी से हमें मिलने के लिए आए हैं, तो हम इनको अपने यहाँ का इलाका दिखा रहे हैं, अपने की जगह दिखा रहे हैं। और अभी हम आए हैं इस साइड में, दिखाओ। और चलो दोस्तों, अभी दिखाते हैं कुछ उदय भाई यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और क्या है भाई, जब से हम आए हुए हैं, हमको यहाँ पर 3 घंटे हो गया है और तब से हमको ये घुमा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, चारों तरफ हरियाली है काफ़ी ज़्यादा। जो है तो गांव का नेचुरल भाई बहुत ही अच्छा होता है, जो लोग गांव के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। और इधर कुछ चीज़ अभी हम जा रहे थे रोड से, तो देख सकते हैं इधर ये जो है भाई, इसमें कोयला बनता था पहले, लेकिन अभी नहीं बन रहा है, लेकिन पहले इसमें कोयला बनता था। तो अभी हम जा रहे थे इसी साइड से, तो अरविंद भाई बोले कि इससे भी देखते हैं। हाँ भाई, चलो थोड़ा पास से आप लोगों को दिखाते हैं और बताने कि इसमें कोयला बनता है। हमने देखा कि यहाँ पर 3-4 देखो सकते हैं झुग्गी टाइप में बनी हुई हैं, और ये देख सकते हैं सामने हमारे, देख सकते हैं काला ये कोयला जो है, तो ये देखिए यहाँ कोयला है। और ये जो कोयला है तो भाई लकड़ी का बनता है ना, इसी में बनाते थे। आप कैसे बनाते थे वो तो मुझे नहीं मालूम इसके अंदर। और ये है देख सकते हैं, और ये क्या है, बंद पड़ा हुआ है, इसको हो गया है अभी, हमने मालूम किया है भाई से, तो बोल रहे इसको काफ़ी दिन बंद हुए हो गया है, और अभी इसमें काम तो कुछ चल नहीं रहा है भाई। जितना दूर तक ये सब देखेंगे, चार यहाँ पर बने हुए हैं, तो चारों के चारों एकदम बंद है, स्टाफ है भाई, काम नहीं चल रहा है इसमें। और ये अंदर का नजारा ये देख सकते हैं, इसमें कोयला पड़ा हुआ है और ईंटें पड़ी हुई हैं। गाइस जो है, तो इधर आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं, जो कि हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे वहाँ जो है तो वाल, जिसको बोलते हैं, जिससे पानी निकाला जाता है इंजन से, तो उसमें क्या है, वाल और जो कोनियाँ होती तो सब ऊपर बांधा जाता है। और एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं अभी भाई, कम से कम ये 5 फीट की दूरी पे है, देख सकते हैं 5 फुट की जो है तो गहराई में जो है, तो इंजन देख सकते हैं कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर बारिश हो जाए तो भाई पूरा जो है तो ये इंजन जो है डूब जाएगा। और यहाँ के जो वाटर लेवल है, इस हिसाब से पता चल रहा है कि भाई 120 से तो कम नहीं होगी नहीं। और हमारे यहाँ बता दें आपको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तो 40 से 45 वाटर लेवल इस समय है। और चलते हैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है तो घाघरा नदी भी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें इस तरह से भाई बहुत ही मुसीबतों के साथ में किसान जो हैं तो पानी लगाते हैं। और तो ये देख सकते हैं, ये हमारी बाइक है, और दोनों भाइयों की दोस्ती इंटरनेट द्वारा हुई है। हाँ भाई, इंटरनेट के द्वारा ही तो मिलने आए हुए हैं। हाँ, मित्रता हमारी इंटरनेट के द्वारा हुई है, और आज भाई हमसे मिलने हैं, और हमें यहाँ काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और हम इनको अपनी जगह यहीं पर दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं अपने यहाँ के इलाके जो हैं। तो और भाई आपको बता दें कि जब से आए हैं भाई 3 घंटा हो गया है, 3 घंटे से भाई नाश्ता पानी किए हैं और तब से हम घूम ही रहे हैं। और इनको कुछ काम भी था, तो हमने बोला कि भाई आपसे मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने वो काम छोड़ दिया हमारे आने की खुशी में। और अभी भाई देखो, अभी भाई ये इतना दूर से मिलने आ सकते हैं, तो भाई हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, कि इतनी दूर से मिलने आ रहे हैं तो यार अपना काम तो बाद में कर लेंगे, तो इसीलिए हम अपनी यहाँ पे घुमा रहे हैं भाई को। और क्या, और चलो चलते हैं गांव को, चलते हैं और गांव का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है उदय भाई का। और बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पर आ करके। अभी हम आ गए हैं गांव में, जो कि उदय राज के गांव में आए हुए हैं, और ये देख सकते हैं आगे चल रहे हैं। और अभी यही गांव के पास में जो है तो घाघरा नदी है, तो वहां का सीन दिखाते हैं कैसा है इस समय। और भाई इससे मैं जो बता दूं आपको, तो इतना ज़्यादा पानी है, काफ़ी ज़्यादा पानी घाघरा नदी में है। और चलो थोड़ा बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं जितना दूर तक देखेंगे सब पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और कुछ देखिए, उस पार में नाव जा रही है। और चलो थोड़ा पास से चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं, देख सकते हैं वो दूर है काफ़ी यहाँ से। और चलो नाव दिखाते हैं, और बहुत सारे जो हैं तो नाव हैं यहाँ पर। और गाइस इधर देख सकते हैं सामने, ये सब घाघरा, और घाघरा के साइड में देख सकते हैं यहाँ पर खेती भी, ये देख सकते हैं यहाँ पर बजरा और मक्का की खेती काफ़ी मात्रा में यहाँ पर की जाती है। इस साइड देखिए कितना सारा लगा हुआ है।
सामने यहाँ पर कुछ जो है तो नावें खड़ी हुई हैं और यहाँ पर चार नावें जो खड़ी हुई हैं और इधर एक अभी नाव जो है तो नदी से आई है, साइड में लग गई है और इसमें कुछ लकड़ियाँ लदी हुई हैं। वहाँ पर सामने देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बांधी हुई नाव है इधर कोंटे से और यह कुछ मिट्टी जो है तो गिरी हुई है बहाव के कारण। इधर देख सकते हैं ये सब मिट्टी गिरी कट गई है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं घर को और आज का बेसिक वीडियो जो था तो यही था और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और ये हैं उदय भाई। तो भाई भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और भाई इतना दूर से मिलने आए मुझसे तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। और भाई को मैंने अपने यहाँ का जो भी था दिखाया है और वीडियो में तो देखने को मिल ही जाएगा, जो चीज़ जो यहाँ पे हैं हमारे यहाँ तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही। तो भाई अभी जा रहे हैं तो चलिए भाई, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो भाई चलते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, साथ में फिर कभी आएँगे, फिर से मुलाकात होगी, देखो कब आते हैं।